साहब जब कभी भी यात्राओं का दौर शुरू हो तो समझ जाइएगा कि चुनाव नजदीक है। ऐसे ही यात्राओं का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी की मतलब राहुल बाबा की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकाली जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर विकास कौन है और भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा क्यों निकाल रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हम आपको केस स्टडी में बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में विकास का क्या मतलब है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा की शुरुआत करने भिंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने भिंड में लगभग 400 करोड़ रुपए की सौगात दी। कहीं का भूमि पूजन किया, कहीं का लोकार्पण किया। बस भिंड से नजदीक बैठे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। अब चूंकि चुनावी माहौल है, दौरे पे दौरे हो रहे हैं, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ मुंह चलाते हैं। और 190 महीनों में हर महीने शिवराज जी इस यात्रा में हिसाब दें कि उन्होंने मुंह चलाने के अलावा और क्या कार्य किया। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंह चलाते हैं तो फिर ये क्या है। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। अब हम वापस टॉपिक पर आएंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकास यात्रा के क्या हाल है। हम बड़वानी की तरफ चलते हैं और बड़वानी से फोटोज दिखाते हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद और हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चाओं में रहने वाले नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने जूता पॉलिश करने वाले की पूजा की। पूजा मतलब उनके गले में हार माला टांगी और उसके बाद उन्होंने बगल में बैठकर जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदिशा जिले की। हर जिले की तरह विदिशा में भी विकास यात्रा चल रही थी, लेकिन विकास यात्रा में विधायक जी को जनता ने घेर लिया और जनता ये कहती नजर आई कि हम 30 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, हमने गांव में कांग्रेस के झंडा भी नहीं लगन दे, मनो हमारी सुनी नहीं जाए, आवेदन पे आवेदन देते आ रहे हैं। जिसके बाद मोर्चा संभाला वहां के SDM साहब ने। SDM साहब ने अपने हाथ में माइक पकड़ा और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर योजनाएं गिनवाने लगे। जरा देखिए, स्कूल में नहीं है, आंगनबाड़ी में फ्री खाना मिल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आपकी मेल सड़क बनी हुई है, आप फालतू की बात करते हैं। SDM साहब हाथ जोड़ रहे हैं, अगर आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे तो बेचारे इन लोगों का क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में विकास यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए थे कि अब माननीय मंत्री जी आएंगे और विकास कार्यों की भूमि पूजन करेंगे, लेकिन मंत्री जी से आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक PC शर्मा ने पहुंचकर वहां पर गेंती फावड़ा मारते हुए सारे स्थानों का भूमि पूजन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सोचते रह गए कि यार हमारे पहले यहां आकर कौन भूमि पूजन कर गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और रायसेन जिले की बात करते हैं। रायसेन जिले में भी विकास यात्रा चल रही थी। विकास यात्रा में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल थे। प्रभुराम चौधरी एक गांव में गए जहां पर लोगों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर उनसे पूछने लगे कि हमारी नाली की सफाई नहीं होती साहब, नालियां बंद कर दी जाती हैं, अगर यही विकास है तो हमको आपका विकास नहीं चाहिए। फिर उसके बाद लोगों ने गिरवाना शुरू किया कि 2003 से पहले का आपको समय पता है, 2003 के पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, ये बात आपको देखनी जरूरी है। अब चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास यात्रा निकाल रही है, इसी बीच डिंडोरी में कांग्रेस पार्टी विकास ढूंढो यात्रा निकाल रही है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंखों पर दूरबीन लगाए हुए विकास को ढूंढते नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो डिंडोरी में कलेक्टर साहब भेजे हैं उनका नाम विकास है और सिर्फ उनके अलावा डिंडोरी में किसी भी प्रकार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।